सर्व संविदा कर्मचारी महासंघ 5 दिवसीय हड़ताल पर है। इस दौरान कर्मचारी पदयात्रा कर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वही किसान नेता योगेश तिवारी संविदा सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों को समर्थन देने पहुंचे। कर्मचारियों ने कहा कि हम 5 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। हम 26 जनवरी तक इंतजार कर रहे हैं। अगर हमारी नियमितीकरण की मांग पूरी नहीं की जाती है तो उग्र आंदोलन करेंगे। संविदा कर्मचारी आए हैं, ये लोग अपनी नियुक्ति का मांग कर लेकर आए। परमानेंट इनको करने का सरकार ने पहले घोषणा किया था, चुनाव के पहले वादे किए थे, और सरकार में आते ही मुख्यमंत्री जी वादे भूल गए। उसको लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। अगर देखा जाए 8 घंटे ये लोग मेहनत करते हैं, जब सरकारी कर्मचारियों को जब पूरा पेमेंट मिलता है या फिर वो पूरा पेमेंट अगर परमानेंट नहीं कर, इतनी महंगाई है आज, लोगों को जीविका पालन करना कितना आज मुश्किल है। आज हर चीज का हर चीज महंगाई बढ़ चुकी है। आज ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। आए हुए हैं सर, यहाँ पे क्या बात है? संविदा कर्मचारियों को मांग रखी है जी। अभी मुझे ज्ञापन प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ द्वारा, इनकी मांग नियमितीकरण को लेकर है और शासन को प्रेषित कर दिया जाए। हम शासन को प्रेषित कर दिया, आज ही।